नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आज सुबह का टाइम है, मैं अभी आज मिल्किंग विल्किंग की है सभी गायों और भैंसों की। उसके बाद मैंने सोचा आज क्या हमारे जो रबी के बोझे थे वो भी घर ले जाके हो गए, तो कोई काम नहीं था। मैंने सोचा आज इस टाइम भी अपने जानवरों को छोड़ा जाए इन्हें चरने के लिए। तो आज अपनी भैंसों तो जाती थी एक टाइम में, दूसरे टाइम में मैंने जो गाय है अपनी उनको भी छोड़ा हूँ। तो वो थोड़ी देर तो नाटक करी कि आगे आगे भग रही, चर नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे चरना चालू कर दी। तो अभी अच्छी चर रही है, इधर पास में ही है, दिखा दूंगा मैं आपको। और दोस्तों मैं बताना चाह रहा था कि अभी जो गर्मी का समय है और बहुत से लोगों को इसी टाइम पे लगता है कि अपना फार्म स्टार्ट करें या अपने घर में भी भैंस ले, तो दोस्तों ध्यान दें कि अभी जो है फरवरी के बाद से जून का आधा, जून पूरा ही ले सकते हो आप। इस टाइम पे जो भैंस है इनका रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आप कोशिश करें कि इस टाइम को थोड़ा बच के रहें। जिससे क्या, इस टाइम पे अगर भैंस ज़्यादा महंगी रहती है तो जैसे 10,000 से 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस टाइम पे। और जैसे ही जुलाई का महीना लगेगा तब भैंस जो ज़्यादा भैंसें जनना चालू हो जाती है, यानी बच्चे दे देती है, तो उस टाइम पे रेट थोड़ा कम हो जाता है। और अभी अगर आप भैंस ही लेंगे भी तो उनमें दूध अभी 4 लीटर 5 लीटर ऐसा ही मिलेगा, और 6 महीने 7 महीने ऐसी प्रेग्नेंट मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि अभी 1-2 महीने रुक जाए, जैसे ही जुलाई का महीना स्टार्ट होगा तो भैंसों का रेट थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप कोशिश करें कि उसी महीने में लेने की। और गायों का वैसा नहीं, गाय साल भर उनका रेट एक ही बना रहता है, तो अगर आप गाय से स्टार्ट कर रहे हैं तो गाय से स्टार्ट कर सकते हैं। और भैंसों से कि थोड़ा रुक जाए, अगर हो सके तो फिर आप प्रेग्नेंट लें, जैसे 6 महीने 7 महीने 8 महीने, लेकिन उन्हें देख सकते हो ना कि बिना दूध दिए उनका खर्च उठाना पड़ेगा आपको, और ऊपर से अभी उनका रेट भी हाई है। इसलिए कोशिश करें कि बचे अभी अभी जानवर लेने से, ठीक है दोस्तों। और अभी खुराक का जो रेट है वो भी बराबर बना हुआ है, अभी तो हम सिर्फ खल और जो कनकी होती है चावल वाली वही दे रहे हैं। वो खल अभी लगभग 34.5 रुपये किलो और जो कनकी है वो पड़ रही है हमें 1980 रुपये की, मान लो 2000 ही है। तो एक कट्टी लाते जैसे झरी कनकी 50 किलो की, तो वो 3 टाइम जाती है हमको लगभग, यानी 15-15 किलो एक एक दिन में लगता है, एक एक टाइम में लगता है। और खल हम अभी बहुत कम कर दिए, लगभग आधा से पौन किलो ही खल दे रहे हैं, तो अभी मेंटेन में चल रहा है, लेकिन दूध कम हो गया है, दूध 30 लीटर पर आ गया है, क्योंकि एक भैंस हमारी जो मुर्रा क्रॉस है उसने दूध देना बंद कर दिया है। तो यही थी दोस्तों अपडेट, और कोई नहीं है, जब जो भी अपडेट होगी मैं बताते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा वॉच करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो किसान भाई है या नए फार्मर जो स्टार्ट कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुँचाए। जो भी एक्सपीरियंस होगा मेरा, भले ही थोड़ा कम है लेकिन जो भी है वो सच आप लोगों तक पहुँचना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस है मेरा, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है मैं उतना शेयर जरूर करूँगा, और जो भी काम की बातें होगी किसी को कुछ भी लग रहा हो कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है या 9644-618752। और किसी को नेपियर लग रहा है, नेपियर की भी जाई चाहिए तो वो भी कॉल कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों।